नमस्ते। दोस्तों ऐसा कि हम लोग सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं, जो सैमसंग का सर्विस सेंटर है वहाँ पे आ गए हैं। राजकरण पैलेस ये अलाहाबाद का सबसे सस्ता टॉकीज होगा। चलो तब ना लेंगे जलवा तक का। 20 रुपया। चलिए तब, क्या दिक्कत है? क्या नाम है? आकी स्टॉक। मेरे पास पेन नहीं, नहीं तुम लोग को लिख के दे देता। दो जल्दी। इस रेलवे स्टेशन में कितना गेट है, कितना गेट है समझ में नहीं आता है। ऐसा तो है कि ऑटो वाले ने मुझे दे दिया धोखा। यूट्यूबर की तो कोई इज्जत ही नहीं। बारिश हो रही है तो इस दुकान को मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। इन्हें खीर बनाया है, ये शाम का ब्रेकफास्ट है, खाना हम लोग खा चुके हैं। दो दोस्तों बात ऐसी है कि मुझे फिर से एक बार धोखा मिल गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं हम लोग आज जा रहे हैं सैमसंग सर्विस सेंटर। मेरे मोबाइल में थोड़ा फाल्ट हो गया है। इनकी मोबाइल में थोड़ा फाल्ट हो गया है जी, बिल्कुल स्क्रीन पे थोड़ा। हाँ दिखा दीजिए जरा जी। बिल्कुल यहाँ पे अगर आपका भी सैमसंग मोबाइल है और तो कैंसर हो गया है। हाँ धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाँ हाँ उपचार करने जा रहा हूँ उसका। अच्छा अच्छा, ताकि सही हो जाएगा नहीं फिर कैंसर मर जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इन्होंने कहा कि कैंसर हो रहा है फ़ोन को और इनका फ़ोन ख़राब हो चुका है, मर जाएगा, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तुरंत नया फ़ोन ले लेंगे। ये का ही अवेलेबल टू एफोर्ड एनी फोन लाइक आईफोन। बहुत ज़्यादा धूप है, चलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। आर यू रेडी गाइज? दोस्तों ऐसा है कि हम लोग सीनू भाई से मिलने आए थे, सीनू भाई है नहीं। अरे सिविल लाइन। तो दोस्तों ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं सिविल लाइन, मोबाइल दिखवाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा दीदी के यहाँ जलवा, और हमारे आशीष भाई हमारे साथ हैं, जा रहे हैं, इनका फ़ोन दिखवाते हैं सैमसंग का कि फ़ोन कैसे बनता है। आई होप कि इनका फ़ोन के लिए कोई पॉजिटिव खबर आ जाए जल्दी से और इनका फ़ोन जल्दी से जल्दी बन जाए। दोस्तों इस टाइम हम लोग आ चुके हैं रामबाग चौराह। मैं पहले भी रामबाग चौराह से आपको अवगत करा चुका हूँ, एक बार फिर से रामबाग चौराह पहुँच गए हैं। दोस्तों ऐसा कि हम लोग सर्विस सेंटर पहुँच चुके हैं, जो सैमसंग का सर्विस सेंटर है वहाँ पर आ गए हैं। ये जो सर्विस सेंटर है, जब आप आते हैं पी वी आर से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एक चौराह पड़ेगा, उस चौराह से आपको आप राइट लेफ्ट जाएंगे, उस चौराह से आप लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट से सीधा जाएंगे एक चौराह, उसके बाद जाएंगे दूसरा चौराह, उस दूसरे चौराह से लगभग 20 मीटर की दूरी पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा सैमसंग का सर्विस सेंटर। क्या बात है। ये प्रयागराज के लोगों के लिए है जो प्रयागराज में रहते हैं, अगर उनको मोबाइल में कोई भी डिफेक्ट आता है तो वो यहाँ पर आके अपना मोबाइल दिखवा सकते हैं। आप देख सकते हैं सर्विस सेंटर यही है ये भैया। तो गाइज ऐसा है कि हम लोग सर्विस सेंटर पे आ गए थे, सर्विस सेंटर वाले बहुत ही अच्छे थे, उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छे से हेल्प की। तो मैं सैमसंग से गुजारिश करूँगा कि वो अलाहाबाद के सर्विस सेंटर बहुत ही अच्छा है, तो थैंक यू आपने इतना अच्छा सर्विस कस्टमर प्रोवाइड किया। दोस्तों तब ये है PVR। अभी मैं PVR तो नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड। तो PVR मैंने आपको दिखा दिया, PVR पे कभी और देखेंगे। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी हम आ चुके हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहा, ये अलाहाबाद का सबसे बेहतरीन चौराहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आप यहाँ पे एक टॉकीज था, कहाँ गया वो टॉकीज? मिल गया, एक विलन लगा है इसमें, राजकरण पैलेस। ये अलाहाबाद का सबसे सस्ता टॉकीज होगा, ये अलाहाबाद का सबसे सस्ता टॉकीज है। यहाँ पे आपको 80 रुपये में डायमंड का टिकट मिल जाएगा और 60 रुपये में सिल्वर, और उसके बाद 40 रुपये में एकदम आगे वाली सीट, उसको जो भी बोलते हो। और ये रहा बिग बाज़ार, अलाहाबाद का बिग बाज़ार। तो आशीष आपको मोबाइल बना कि नहीं? अभी तो बना नहीं, अभी तो अक्सर लेने गए थे अलाहाबाद, सुझाव कुछ लेने गए सर्विस सेंटर से, उन्होंने बताया कि मोबाइल ज़्यादा चलेगा नहीं डिस्प्ले उसका। अच्छा चलो बन जाएगा। और ये रहा बस स्टैंड, सही है, चल जाएगा, गीला हो गया है, इसी में चलते चलते पैर। ठीक है भैया चले। तो ऐसा है कि सारी बसें जौनपुर की लगी हुई हैं, आशीष बाग को इसी में से कोई एक बस पकड़वा दूंगा। का टाइटल डालूंगा आशीष चला गया घर। तो गाइस ऐसा है कि आशीष ब्रो हमारे जा रहे हैं घर, देख ले कहाँ बैठे हैं आशीष।
चलो तब। तो ऐसा है कि आशीष भाई को मैंने भेज दिया बस में बैठा के घर। अब जाता हूँ मैं दीदी के यहाँ, उनसे मुलाकात करके फिर रूम पे आऊँगा। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ प्रयागराज रेलवे स्टेशन, वहाँ से मैं गाड़ी चेंज करूँगा और जाऊँगा जलवा के लिए। जलवा जाना है? हाँ चलेंगे का। कितना लेंगे जलवा तक का? 20 रुपया। चलिए तब, का दिक्कत है। तो ऐसा है कि यहाँ से मुझे ऑटो मिल गया है तो मैं स्टेशन अब नहीं उतरने वाला, भैया जा रहे हैं जलवा, मैं इन्हीं के साथ निकल जाऊँगा जलवा। जलवा चला तो चलेंगे ना ट्रिपल आईटी? हाँ, फिर गाड़ी का 10 रुपया अलग लगेगा, 30 रुपया लगेगा। ले 40 रुपये में आराम से पहुँच जाएंगे। गलत पैसा नहीं लेते छोटू भैया, 40 रुपया लेंगे। चल भाई, वो पिलक 20 रुपये यहाँ का भाड़ा हो गया, 20 रुपये वहाँ का हो गया। कहाँ का भाड़ा हो गया? 20 रुपये यहाँ से स्टेशन, 10 रुपया। हाँ फिर उसके बाद 20 रुपया जलवा, 10 रुपये वहाँ, फिर गाड़ी चौड़ा 4 नंबर गेट। 25 ले लीजिएगा। 40 बोले, चलिए आपको 40 दे, 30 दे दे, हो जाएगा ठीक है। तीन लोग ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करते हुए। तो ऐसा है कि ये कौन सा ब्रिज है पता आपको? निरंजन। हाँ निरंजन, निरंजन। अच्छा सुंदरता देख रहे गाइस, हेलो कर दो सभी लोग। तो दोस्तों ऐसा है कि बच्चे लोग शर्मा गए हैं और वो हेलो नहीं कर रहे हैं। छुट्टी हो गई सबकी? ब्लॉग नहीं देखते क्या तुम लोग? नहीं नहीं। अक्की स्टॉक देखना घर जाके। क्या नाम है? अक्की स्टॉक। मेरे पास पेन नहीं, नहीं तुम लोग को लिख के दे देता। दो जल्दी। जल्दी देना, लेकिन पेज भी चाहिए, पेज भी नहीं है। दोस्तों ऐसा है कि अभी हम लोग आ गए हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन में कितना गेट है, कितना गेट है समझ में नहीं आता है। तो ऐसा है कि अगर आपको पता है कि कितना गेट है इस रेलवे स्टेशन पे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन के कितने गेट हैं। ये है 2B, आप देख रहे होंगे 2B, और ये है 2A। इसके बाद आगे जाएंगे आएगा गेट नंबर 3। आगे है गेट नंबर 3 और ये रहा गेट नंबर 1। खुशरो बाग में टिकट लगता है? तो दोस्तों ऐसा है कि ऑटो वाले ने मुझे दे दिया धोखा और जलवा चौराहे पे ला के मुझे वो दिया उतार। अब मैं यहाँ से पैदल जा रहा हूँ ट्रिपल आईटी के लिए। देखते हैं कोई ऑटो वाटो मिल जाए तो चलते हैं, हालांकि लगता नहीं है कोई ऑटो मिलेगा। तो ऐसा है मुझे ऑटो मिल गया फिर से, ऑटो ले लेके मैं परेशान हो चुका हूँ। जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाइए जिससे मैं एक बाइक खरीदूँ और आपको पूरा प्रयागराज बढ़िया से घुमाऊँ। यूट्यूबर की तो कोई इज्जत ही नहीं है। वो बंदा भी मुझे थोड़ी दूर पे लाया, उसको और सवारी मिल गई, मुझे यहाँ पे उतार दिया। अब यहाँ से मुझे फिर से पैदल जाना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं फिर से पैदल जा रहा हूँ, अब नहीं ऑटो लूँगा, अब यहाँ से पैदल ही जाऊँगा। इससे अच्छा मैं रैपिडो बुक करता, वो मुझे छोड़ देता बढ़िया से। क्या बताएँ, इंसानियत अच्छाई का तो ज़माना ही नहीं है, जो देखो तहाँ उतार दे रहा है। दोस्तों बात ऐसी है कि अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरी किस्मत ज़रा लगातार पांडु होती चली जा रही है और बारिश लगातार तेज़ होता चला जा रहा है, कहीं रुकना पड़ा। तो दोस्तों ऐसा है कि बारिश स्टार्ट हो गई है, हालांकि बारिश धीमी हो गई तो हम लोग निकलते हैं और चलते हैं। इतनी धीमी बारिश में सर्वाइव कर जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों गाइस ऐसा है कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही है। अच्छा है बारिश हो रही है, सुबह से इतनी गर्मी थी कि हालत ख़राब हो गया था। एक बार बारिश तो बनता है। मैं कहाँ हूँ, मुझे मिल गई एक जगह, एक दुकान है, ये दुकान है बंद, बंदा है नहीं, तो इस दुकान को मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। और इस दुकान सर पे है छत, नीचे हूँ मैं, और ये इनकी दुकान। ये दुकान हालांकि बुलेट पे चलती है, ये बाइक है स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर बाइक पे रिक्शा बना हुआ है ये दुकान। तो जब तक मैं सर्वाइव कर सकता हूँ यहाँ पे तब तक करूँगा, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी हम लोग ट्रिपल आईटी कैंपस में आ चुके हैं और मैं फ्लैट में अंदर आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ दीदी के घर उनके फ्लैट में। अभी मैं देखते हैं कि कौन बाहर आता है, दीदी आते हैं या जीजा जी आते हैं।
और जी नमस्ते, नमस्ते कैसे हैं? मैं ठीक हूं, बताओ कैसे हो? बढ़िया है, हाय कर दीजिए, आप ब्लॉग में आ रहे हैं। हेलो, एक सेकंड मैं अपने शूज़ उतार देता हूँ, गीले हो गए हैं। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, कोई नहीं। ओके, ओ दीदी नमस्ते, खुश अच्छा और कैसी हैं? बढ़िया। ब्लॉग में आ रही, हाय कर दीजिए। और सब ठीक है? ये तो ऐसे चलता रहेगा, सब बढ़िया। ठीक है, और सब सही है? बढ़िया। क्या बात है, घर बहुत अच्छा बना रखा है आपने। तो गाइस, दी ने खीर बनाया है, ये शाम का ब्रेकफास्ट है, खाना हम लोग खा चुके हैं। दी ने कढ़ाई पनीर बनाया था और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक मिला था, हालांकि चाय का भी ऑप्शन था लेकिन चाय तो मैं पीता नहीं, इसलिए चाय का ऑप्शन ड्रॉप कर दिया गया था। तो अभी शाम का वक्त है, लगभग टाइम हो रहा है 6:05 और खीर खा रहे हैं हम लोग। मैं अकेला नहीं खा रहा हूँ, अभी ये लोग भी मुझे ज्वाइन करेंगे। चलो जल्दी सब्सक्राइबर। ठीक है फिर, चले ओके, बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी। ठीक है दी, बाय। तो गाइज, ऐसा है कि हम लोग निकल चुके हैं वहाँ दी के यहाँ से, अब मैं जाऊँगा यहाँ से जलवा चौराहा की तरफ। मैं रास्ता भटक गया क्या? नहीं, जाऊँगा जलवा चौराहा की तरफ, उसके बाद फिर वहाँ से लूँगा ऑटो। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि मैं जब दोपहर में आया था दी के यहाँ, तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और बारिश तेज़ होने की वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आपको ये कैंपस पूरा दिखा नहीं पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हो सकता है मैं कभी और इस कैंपस में आऊँ दिन में, तो मैं आपको ये कैंपस ज़रूर दिखाऊंगा। ये कैंपस बहुत ही अच्छा और बहुत ही वेल इस्टेब्लिश्ड है। भैया कितने की स्पीड भाग रहे? 40 के। तो गाइस, ऐसा है कि अभी तक लाइट थी नहीं, अंधेरा था, तो अंकल जी ने लाइट जला दी है, उजाला हो गया है और ये भी ब्लॉग में आ गए हैं। तो अंकल जी, आप अभी कितने बजे तक गाड़ी चलाएंगे? ये करीब 10:30 बजे तक चलाएंगे। 10:30 बजे तक? वैसे अभी तक मैं जितने ऑटो में बैठा हूँ, सबसे बढ़िया आप ही ऑटो चला रहे हैं, आपकी रफ्तार अच्छी है काफ़ी। तो एक्सपर्ट हो गए हैं ये, एकदम मच चुके हैं इसमें। और हमने बड़ी गाड़ियाँ चलाते थे पहले। अच्छा, तभी रिजन के हिसाब से थोड़ी छोटी गाड़ी चला रहे हैं। हाँ हाँ, अरे छोटी चीज़ में पैसा ज़्यादा है, लेकिन लोग समझते नहीं इस बात को। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि मुझे फिर से एक बार धोखा मिल गया ऑटो वालों के द्वारा, उसने फिर से मुझे एक बार गलत डायरेक्शन में उतार दिया। अब मैं फिर से यहाँ से जा रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। आज 3 बार मेरे साथ हुआ, मुझे 3 बार गलत जगह उतारा गया और मुझे पैदल ट्रैवल करना पड़ा। तो ठीक है, वही स्ट्रगल है लाइफ की, कितना भी गिराते रहो लेकिन मैं तो चलता रहूँगा, रुकने वाला नहीं हूँ सनम। तो चलते रहते हैं, देखते हैं मंजिल तक तो पहुँच ही जाएंगे। सुबह भी पहुँचे थे, अब भी पहुँचेंगे, लेकिन ये 3री बार हो गया। तो गाइज, ऐसा है कि अब मैं रूम पे आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद, फाइनली बहुत सारे स्ट्रगल के बाद मैं रूम पे पहुँच ही गया, काम ख़त्म हुआ। अब फाइनली मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, नहा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई होगी और फिर उसके बाद होगा वीडियो एडिटिंग, वीडियो जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद।